हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं समीर आप सभी की अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप 3000 पर मंथ का जो बिहार गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो आवेदन किए हुए थे, यानी जो आवेदन किए गए थे, जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स जो आवेदन किए हुए थे उनका पैसा आना शुरू हो गया है। ऐसा बिहार गवर्नमेंट ने बोला है कि आपके अकाउंट में पैसे 3000 रुपए क्रेडिट किए जाएंगे। किनके किनके खाते में पैसे आएंगे और किस माध्यम से पैसे मिलेंगे, इसके लिए फ्रेंड्स आपको कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, इसमें मैं दो तरीका बताऊंगा चेक करने के लिए। फर्स्ट तरीका होगा इसमें कि आप अपना मोबाइल नंबर और अपने आधार कार्ड से चेक कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद का। और आप चाहते हैं कि आपके पूरे ग्राम पंचायत का चेक करना चाहते हैं तो वो भी तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो कैसे चेक करना है आपको हम ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, वहां से आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको डाल देना है कि बिहार बिल्डिंग। यहाँ पे जैसे मैंने डाल रखा है फ्रेंड्स बिहार बिल्डिंग, यहाँ पे आपको फिल कर देना है। बस इतना ही फिल करने के बाद आपको सर्च आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे सर्च आइकन पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने देखिएगा फ्रेंड्स बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसको डेस्कटॉप साइड पे कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो नाम है लिस्ट में है या नहीं है। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो कैसे चेक करेंगे, इसके लिए फ्रेंड्स आपके पास आपका मोबाइल नंबर, जी फ्रेंड्स आपका मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर के साथ साथ आपका जो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए या आधार कार्ड नंबर आपको याद हो तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप वेबसाइट पे आने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फ्रेंड्स, हम आपको दिखा देते हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा। सबसे पहला मेथड है फ्रेंड्स कि जब आपके पास आधार कार्ड और मोबाइल नंबर उपलब्ध हो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे व्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा आपका मोबाइल नंबर और आपका आधार नंबर। यहाँ पे फ्रेंड्स आप अगर अप्लाई की हैं तो आप अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, और उसके बाद आपको शो पे क्लिक कीजिएगा, आपका स्टेटस दिखा देगा कि आपका स्टेटस कहाँ है। दूसरा तरीका है फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है, मिस कर रहे हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर डाले हुए हैं, तो यहाँ पे आप अपने ग्राम पंचायत का लिस्ट भी देख सकते हैं। लिस्ट कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको हम जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा रजिस्टर लेबर, जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर लेबर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन होगा जो इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे अगेन आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ के डेस्कटॉप साइड पे आपको कर देना है जिससे पेज को संक्षिप्त कर दिया जाए। यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ के बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सब उपलब्ध आपको मिलेगा। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा कि आप रूरल एरिया से हैं या अर्बन एरिया से हैं। तो मैं यहाँ पे रूरल एरिया से ग्रामीण एरिया से हूँ, तो मैं यहाँ पे ग्रामीण एरिया आपको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करते ही आपका जो म्यूनसिपल था वो आपको ब्लॉक में तब्दील हो गया और यहाँ पे जो दिखे फ्रेंड्स ग्राम पंचायत आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से अब आपको क्लिक करना है और आपको देख लेना है यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत कौन सा है, सॉरी फ्रेंड्स आपका ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है कि आपका ग्राम पंचायत कौन सा है, तो मैं यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सर्च का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिए होंगे कि यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा, यहाँ जितने भी आपके ग्राम पंचायत के अंदर लिस्ट आया होगा, आवेदन किए होंगे, उनका लिस्ट में यहाँ पे नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरे अपने ग्राम पंचायत का नाम मिल जाएगा देखने के लिए। आप जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे राजेश्वर प्रसाद, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने आवेदन किया था 17 मार्च 2020 को। इनको 3000 रुपये का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, इनको इसका लाभ मिलेगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे डिटेल्स इस तरह आप अपने मोबाइल फोन से ही निकाल सकते हैं। इसमें आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पेपर कटिंग में आपको कल का पेपर है। यहाँ पे 19 लाख श्रमिकों यानी जो श्रमिक रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, श्रमिकों को इसी सप्ताह मिलने वाला है 3,000 रुपया। यानी श्रमिकों के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और चिकित्सक अनुदान के रूप में राशि दी जा रही है। यानी जो मजदूरों को इसके लाभ मिलना शुरू हो गया है और उनके खाते में पैसे आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल्स। बस इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो राशि है वो जल्द ही आपके बैंक अकाउंट में आने वाली है या आ भी रही होगी। अगर आपके पास आ गई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने जो भी ऑनलाइन आवेदन किए होंगे या ऑफलाइन जो भी किए होंगे, उनका नाम अगर इस लिस्ट में है तो आपको पैसा बिल्कुल मिलने वाला है। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार एक ही वीडियो को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये नहीं कि आप दो बार तीन बार देख लीजिए तो आपका पैसा जल्दी आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कि दो बार तीन बार देखने से अगर आ जाता तो हम भी यहाँ पे बैठ के और 10 बार देखते और हमारा भी पैसा आ जाता, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जो पैसा आएगा थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। तो दोस्तों, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है, अगर आप शहरी एरिया से, तो आपको अर्बन पे यहाँ पे क्लिक करना है। अर्बन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप क्लिक करके अपना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से आपको वार्ड आपको सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। जब यहाँ से आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे मैं बेतिया नगर परिषद सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन आपका वार्ड सेलेक्ट करने की, आप किस नंबर वार्ड में हैं। यहाँ से आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह आप कर सकते हो। उसके बाद आप फिर अगेन जैसे पहले किया गया था उसी तरह आपको सेम सर्च पे क्लिक कीजिएगा और आपका लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो दोस्तों, कैसा रहा आज की वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे फास्ट एंड फ्री। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।